पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वावधान में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्र महासचिव तथा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य के साथ राष्ट्र मंत्री भी मौजूद रहीं। इस दौरान कार्यक्रम महिला मोर्चा की प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ, तो वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में महानगर महिला मोर्चा और जिला महिला मोर्चा की संयुक्त टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही महिला शक्ति और सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्र महासचिव के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ना कभी घबराई है ना घबराती है, ये विश्वास मानिए। कमल शक्ति सम्मान हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम हुए, प्रदेश में 9 जगह कार्यक्रम हुए, जिसमें हम लोगों ने 14 नवंबर से शुरू किया और लास्ट हमारा 27 नवंबर को अंत होगा, समापन का। जहां पहले कल हम लोगों ने झांसी से शुरुआत किया, दूसरा कार्यक्रम हमारा मुरादाबाद में, तीसरा कार्यक्रम हमारा कानपुर में, चौथा कार्यक्रम मेरा आगरा में है, इसके बाद मेरा मेरठ में है, इसके बाद प्रयागराज है, गोरखपुर है और कानपुर में समापन। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी से नहीं लगा, इसलिए नहीं, उन्होंने जो 40% की बात की, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी अभी 2017 में उन्होंने टिकट दिया था तो मात्र उत्तर प्रदेश में उन्होंने मात्र 12 महिलाओं को टिकट दिया था, तब उनकी सोच कहाँ थी? तब उन्हें उत्तर प्रदेश की महिलाओं की याद नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 46 और दो हमारा सहयोगी दल अपना दल 48 टिकट देके भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को विधायक बनाने का काम, इसमें 36 महिलाएं आज भी विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी से नहीं घबराई। दूसरा एक मैं और कहना चाहती कि उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल दूँ, जब उनकी सरकार थी केंद्र में भी, तो आप उन्होंने कितनी आंगनबाड़ी की बहुओं की चिंता नहीं आई थी, आंगनबाड़ी बहनों को आशा बहुओं की चिंता नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं, करके दिखाती है। मुरादाबाद पहुंची राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसे हालात हैं कि देश में रहने में उनको डर लग रहा है। इसके साथ में वो पाकिस्तान की वकालत करते दिख रहे थे, जिसके जवाब में गीता शाक्य का कहना है कि जिसकी जैसी सोच है, जैसा नजरिया है, वो वैसा ही देखता है। इतने दिनों से हमारी सरकार ने सबका ध्यान रखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे। इतने दिनों में यदि उनको डर लगने लगा तो उनको कोई बदल नहीं सकता। उनकी सोच, उनको मुबारक, हमारी भाजपा सरकार सबका ख्याल रखती है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला जी पाकिस्तान से बात की वकालत कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो वकालत क्या कर रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुठाराघात करते रहते हैं। उन्होंने कब हिंदुस्तान का भला किया, कब चाहा कि देश आगे बढ़े, ये तो बस भाजपा ही राष्ट्रवाद की बात करती है। उनकी जिसकी जैसी सोच है, जिसका जैसा नजरिया, वो उसी से देखता है। इतने दिनों में हमारी सरकार 2014 से है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे देश में सौहार्द का रहे, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इतने दिनों से उनको अचानक डर लगने लगा है, तो उनकी नज़रिया कोई बदल नहीं सकता, उनका सोच, उनको मुबारक। लेकिन हमारी सरकार, हमारी भाजपा पार्टी हमेशा सबको एक साथ लेके काम करने का हमेशा विचार रखती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे लेके ही काम करती है। साथ साथ जो है वो पाकिस्तान से बात करने के लिए वकालत कर रहे लगातार, कैसे देखते हैं? अब वो उनका, वो तो हमेशा उनसे वकालत क्या कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ में हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुठाराघात ही करते रहे। उन्होंने कब हिंदुस्तान को चाहा, कब चाहा कि देश आगे बढ़े, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद की बात करती है और राष्ट्र पे लेके काम करती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।